डॉबरमैन डॉग, जिसके अन्य नाम डॉबरमैन पिंस्चर या डोबी के नाम से प्रचलित है। ये डॉग एक वर्किंग और गार्ड डॉग की श्रेणी में आने वाली ब्रीड है, जिसे भारत तथा पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। ये सबसे अधिक पाले जाने वाली गार्ड डॉग नस्लों में से एक है। ये डॉग स्वभाव से अग्रेसिव होते हैं, यही कारण है कि कुछ लोग ही डॉबरमैन को पालने का शौक रखते हैं। इस वीडियो में हम डॉबरमैन डॉग से जुड़ी वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ डॉबरमैन डॉग। ये डॉग मूल रूप से जर्मनी देश से है। डॉबरमैन को सर्वप्रथम सन 1880 के दशक में कार्ल फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन, जो एक टैक्स कलेक्टर थे, उनके द्वारा जर्मनी के अपोल्डा थुरिंगिया प्रांत में अस्तित्व में लाया गया। कई अन्य ब्रीड्स के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ब्रीड बनाने का विचार किया जो कि एक आदर्श गार्ड डॉग हो। सन 1915 में डॉबरमैन पिंशर नस्ल को बनाने के लिए कई अलग अलग विशेषताओं वाले नस्लों का प्रयोग किया गया है। सन 1894 फ्रेडरिक लुई डॉबरमैन के मृत्यु के बाद जर्मनी के लोगों ने इस नस्ल का नाम डॉबरमैन पिंशर रखा, लेकिन कुछ समय बाद इस नाम के आगे से पिंशर शब्द हटा दिया गया। अब सिर्फ अमेरिका और कनाडा में पिंशर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बिहेवियर ऑफ डॉबरमैन डॉग। डॉबरमैन एक एथलीट ब्रीड है। ये बेहद साहसी, बुद्धिमान, वफादार और सतर्क होते हैं। वैसे तो ये एक निडर गार्ड डॉग के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, लेकिन वह उतने ही अच्छे एक पारिवारिक डॉग भी होते हैं। डॉबरमैन डॉग बेहद सक्रिय और बुद्धिमान नस्ल है। ये हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रहना पसंद करते हैं। इन्हें प्रशिक्षित करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यह चीजों को जल्दी सीखने की काबिलियत रखते हैं। डॉबरमैन अपने परिवार के साथ और करीब रहना पसंद करते हैं। परिवार, बच्चों और दोस्तों के प्रति डॉबरमैन का व्यवहार बेहद दयालु और प्रेम पूर्वक रहता है, लेकिन किसी प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाने पर यह गुस्सैल और आक्रामक हो जाते हैं। डॉबरमैन के एक अच्छे और बेहतर चरित्र के निर्माण के लिए उनकी ट्रेनिंग और सामाजिकरण करना बेहद आवश्यक है, जिसके माध्यम से यह नए लोगों से मिल सके, उन लोगों से घुल मिल सके तथा वातावरण में रहने के योग्य बन सके। डॉबरमैन एक स्वस्थ नस्ल है, लेकिन बाकी अन्य सभी नस्लों की तरह ही डॉबरमैन में कुछ जन्मजात अनुवांशिक स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। एक डॉबरमैन नस्ल अपनाने से पहले इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है। एक, नार्कोलेप्सी। यह दिमागी विकार है जिसमें मस्तिष्क सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। नार्कोलेप्सी से प्रभावित डॉबरमैन कभी अचानक अनैच्छिक रूप से सो जाते हैं एवं कभी भी उठ जाते हैं। दो, कलर म्यूटेंट एलोपेसिया। यह एक ऐसी स्थिति या रोग है जिसमें कि नीले अथवा कभी कभी लाल रंग वाले डॉबरमैन डॉग ही प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण 4 महीने से लेकर 3 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे कुत्ता बढ़ता है, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बाल झड़ने की यह समस्या सिर्फ नीले या लाल रंग वाले कोट को ही प्रभावित करती है। इसके लक्षणों के रूप में हमें त्वचा में संक्रमण, सूजन और खुली देखने को मिलती है। यह एक लाइलाज स्थिति होती है। तीन, एल्बिनोइज्म। एल्बिनोइज्म यानी कि रंगहीनता। यह एक अनुवांशिक त्वचा संबंधी विकार है जो कि डॉबरमैन में देखने को मिलती है। एल्बिनोइज्म रोग में ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें कुत्ता सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं तथा नाक, आंखें और शरीर की त्वचा गुलाबी और सफेद हो जाती है। इससे अतिरिक्त कैंसर सहित कई और आंखों की समस्या से डॉबरमैन पीड़ित हो सकता है। चार, हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया डॉबरमैन को विरासत में मिली एक अनुवांशिक समस्या है जो कि इसके पिछले कूल्हों को प्रभावित करती है, जिसके कारण पिछले जगहों की हड्डी कूल्हे के जोड़ों में अच्छे से फिट नहीं होती है, जिसके कारण पिछले पैरों में दर्द और लगड़ापन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पाँच, प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी। प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी यह एक प्रकार का नेत्र रोग है जिनसे कि कुत्ते की रेटिना प्रभावित होती है। धीरे धीरे दिक्कत बढ़ने पर कुत्ते रतौंधी से ग्रसित हो जाते हैं तथा रोग बढ़ने के साथ कुत्ते अपने दृष्टि खोने लगते हैं। 6. हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म दूसरे शब्दों में एंड्रेक्टिव थायराइड भी कहा जाता है, जो कि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन के उत्पादन न होने के कारण से होता है, जिसके कारण डोनमन में मिर्गी, बाल झड़ना, मोटापा, सुस्ती, त्वचा में काले रंग के निशान जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। How to care Doberman dog? 1. Doberman एक medium and large size breed है, जिन्हें घूमने, टहलने और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए एक sufficient और बड़े space की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इसे एक बड़े घर अथवा yard की जरूरत पड़ेगी, जहां वह आसानी के साथ बिना किसी को चोट या किसी को नुकसान पहुंचाए खेल सके। 2. Doberman guard dog breed है, जो कि आकार में अधिक होने की वजह से अधिक फूड खाने के प्रत्याशी होते हैं। फूड को पचाने के लिए आपको इन्हें जरूरी एक्सरसाइज और घूमने की भी आवश्यकता होती है। घूमने के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ज्यादा अधिक समय के लिए इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो यह बाकी किसी अन्य पालतू जानवर या मनुष्य के लिए कभी कभी खतरा बन सकते हैं। 3.
3, डॉबरमैन को पालते समय आपको इनके प्रति थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। यह सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के प्रति ही प्रेमपूर्ण और मिलनसार भाव रखते हैं। पड़ोसियों और अजनबियों के प्रति इनका व्यवहार सतर्क और सक्रिय होता है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 4, छोटे उम्र से ही आपको डॉबरमैन को एक उचित प्रशिक्षण देने की और समाज और अपने आसपास के तौर तरीकों के हिसाब से समाजीकरण करने की आवश्यकता होती है। 5, डॉबरमैन जिस परिवार में रहते हैं अपने आप को उसका हिस्सा मानते हैं, तो यह जरूरी होता है कि डॉबरमैन को हमेशा बांध कर न रखा जाए। इन्हें घर के अंदर या घर के पीछे बैकयार्ड अथवा छत पर खुला घूमने की अनुमति दी जाए। डॉबरमैन डॉग फूड हैबिट्स। डॉबरमैन एक एथलीट ब्रीड है जिन्हें खेलना भागना अत्यधिक पसंद होता है, तो अन्य किसी भी स्मॉल ब्रीड की तुलना में उन्हें एक हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड विटामिन रिच फूड की आवश्यकता होती है। डॉबरमैन के शरीर की ग्रोथ रेट आपके द्वारा दिए जाने वाले फूड पर निर्भर करता है। एक बेहतर फूड का चुनाव डॉबरमैन के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। डॉबरमैन के फूड के लिए आप घर का या फिर पैक डॉग फूड का चुनाव कर सकते हैं। घर के फूड में पोषक तत्वों की मात्रा को संतुलित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही इसके स्थान पर यदि पैक डॉग फूड बात करें तो यह सभी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। डॉबरमैन डॉग बड़ी नस्ल है। इन्हें दिन भर में 3 से 4 कप एक ब्रांडेड पैक डॉग फूड की आवश्यकता होती है, तथा ध्यान रहे ही बताई गई फूड की मात्रा डॉबरमैन के उम्र, आकार, पाचन शक्ति और शारीरिक गतिविधि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। एक पूर्ण विकसित एडल्ट मेल डॉबरमैन का वजन 34 से 45 एवं फीमेल का वजन 27 से 41 किलोग्राम तक होता है। डॉबरमैन मेल की हाइट 68 से 72 सेंटीमीटर एंड फीमेल की 63 से 68 सेंटीमीटर तक होती है। यह आकार में लंबे होते हैं। सर का आकार लंबा और पतला होता है एवं जबड़े बेहद शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। आंखें गहरी भूरी होती हैं। कान पतले लेकिन लंबे होते हैं। डॉबरमैन की पूंछ लंबी होती है जो कि ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। डॉबरमैन डॉग मुख्य रूप से ब्लैक एंड टेन और ब्राउन एंड टेन कलर में देखने को मिलते हैं। इसके बाल छोटे, चिकने और चमकदार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।